अब हम आपकी सेकंड हेलो बच्चों, अब मैं आपकी सेकंड जो है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी स्टार्ट करने जा रही हूँ। वो आपकी क्या है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। नोट्स मैंने आपको दे रखे हैं। एलिवेशन का मतलब क्या होता है, जैसे कहते हैं एलिवेटर पे चढ़ रहे हैं, एलिवेशन मतलब बढ़ना बढ़ना। जैसे वहाँ पे कहता है रिलेटिव लोअरिंग था, मतलब घट रही थी। अगर आप फिर वही है टॉपिक की, अगर आप एलिवेशन कर रहे हो तो सबसे पहले तो ये तो जानो कि बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है। अब आपको पता है कि ये आपका सपोज़ कि ये आप हमने प्योर दो केस ले लिए, यहाँ बात करेंगे आपकी प्योर सॉल्वेंट की, और दूसरा अगर हम जब आपको नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट देखिए हम इसमें ऐड कर रहे हैं। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या है, बॉयल कोई भी चीज़ बॉयल कब करती है, हम क्या करते हैं उसे गर्म करते हैं। तो गर्म करने पर कब गर्म करना और बॉयल होना अलग चीज़ है। उबलती तब है या बॉयल जब होती है जब आपके जो आप लिक्विड ले रहे हो या आपका जो भी सॉल्वेंट है उसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेयर। अब आपका क्या है, एटमॉस्फेयर पे आपके क्या है, बहुत सारी गैसेस हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इन गैसों का अपना भी तो कोई प्रेशर होता है, उसे हम क्या कहते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। वो पता है आपको 1 एटमॉस्फेरिक होता है। तो ये इसका कंसंट्रेशन अगर ज़्यादा है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, ज़्यादा लगता है। तो जब ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाता है तभी कोई चीज़ क्या होती है, उबलती है, जिसे हम क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। अब बॉइलिंग पॉइंट है, एलिवेशन कैसे हो रहा है ये समझने की आपको बात है कि ये हम प्रूफ कर दें कि एलिवेशन हो रहा है बॉइलिंग पॉइंट पे। और ये जो एलिवेशन जो बॉइलिंग पॉइंट है ये ऑल्सो आपके क्या करना है, डिपेंड कर रहा है नंबर ऑफ द पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द सोल्यूशन। ये प्रूफ होगा तभी आप इसको कह सकते हैं कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, नहीं तो आप इसे कह ही नहीं सकते कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, ये प्रूफ करना होगा। अब हमारा क्या है, ये देखिए कि प्योर सॉल्वेंट है, प्योर सॉल्वेंट है, यहाँ क्या कर रहे हो आप, गर्म कर रहे हो, उबल रहा है, बॉयल हो रही है, इसका अपना बॉइलिंग पॉइंट है। लेकिन अगर हमने आप अब इनके बीच में क्या है, अट्रैक्शन है, गर्म कर रहे हो, ये क्या हो रहा है, टूट रहा है, आराम से टूट रहा है, और इसका बॉइलिंग पॉइंट जो आ रहा है वो आप लिख दोगे। आपको पता है कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही पानी क्या होता है, बॉयल करता है, तो बॉइलिंग पॉइंट वाटर का कितना है, 100। लेकिन अगर इन द केस ऑफ जैसे हम इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं, यहाँ पे देखिए जैसे ही नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करेंगे, तो मैंने आपको बताया कि जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करेंगे, सपोज हम NaCl ऐड कर रहे हैं, तो अब इस सर्फेस पर वाटर के साथ साथ क्या है, NaCl भी आ जाएगा। जब वाटर के साथ NaCl भी आ जाएगा तो जो ये सिर्फ पानी ही था, उबल रहा था और कोई उसे जितना हम टेम्परेचर देते बॉयल कर रहा था, तो जितना उसके बीच में वंडर वॉल फोर्स था सिर्फ हम उसको ब्रेक कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे क्या है, अब इस केस में जो है कि वाटर भी है और साथ में आपका क्या है, NaCl, दोनों ही मैंने आपको कहा था पोलर मॉलिक्यूल है। देखिए पानी को बता रखा है, NaCl पे भी ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी ज़्यादा है, साथ में सोडियम भी है। तो अब इनके बीच में क्या होता है, स्ट्रांग बाइंडिंग हो जाती है। अब इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें प्योर से ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है, चाहे टेम्परेचर टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर ज़्यादा देना पड़ता है। जब टेम्परेचर ज़्यादा देना पड़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। अट्रैक्शन क्योंकि इंक्रीज कर रहा है, स्ट्रांग बॉन्डिंग है। अब क्या, किसी की दोस्ती ही आप समझ लीजिए कि अगर बहुत ही अच्छी दोस्ती है तो लाख कोई आके किसी से कुछ भी कह दे, दूसरी दूसरा कोई क्लास का बुराई कर दे, लेकिन या कोई नेगेटिव थॉट्स कह दे, लेकिन वो नहीं टूटेगी। उसे उस तोड़ने के लिए उसे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग फोर्स लगाना पड़ेगा, रोज 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 करके, तब हो सकता है टूटे, हो सकता है ना भी टूटे। तो वैसे ही आपका क्या है, स्ट्रांग बॉन्डिंग है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग, इसे तोड़ने के लिए हमें बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। इसी इंक्रीज को हम क्या कहते हैं, एलिवेशन इज बॉइलिंग पॉइंट। अब ग्राफ से आप समझ लीजिए, अगर हम सपोज ये मान लें, ये आपका एक हम ये ग्राफ देख रहे हैं जो मैंने आपको नोट्स में प्रोवाइड किया है, आप इसको थोड़ा ग्राफ को नोट से भी चेक कर लीजिएगा। ये आपका इस पर हम वेपर प्रेशर ले ले और इस पर हमने क्या लिया, टेम्परेचर ले लिया। अब आपको मैंने बता रखा है कि ये सॉल्वेंट है और ये आप बस देख लीजिए, मैंने आपको क्या कहा कि जब हम पानी को बॉयल करते हैं तो पानी आपका क्या 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर बॉयल करता है। तो ये हमने मान लिया कि ये सॉल्वेंट का है, ठीक है। अब ये बॉइलिंग पॉइंट हो गया सॉल्वेंट का कि वो 100 डिग्री पर बॉयल कर रहा है, उस समय आपका प्रेशर कितना है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तभी कोई भी चीज़ बॉयल करती है। फिर मैंने कहा जैसे ही हम सॉल्यूट ऐड नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते तो एलिवेशन का था, यानी इसका इससे ज़्यादा होगा, वो हम इसे मान लें, ठीक है। TB0 आपका क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट प्योर का, और TB क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये ΔTB, यानी क्या है, इन दोनों का डिफरेंस कि कितना इंक्रीज हो गया। तो ΔTB को हम क्या लिख सकते हैं, TB माइनस TB नॉट, ये हो गया ना, ΔTB माइनस TB नॉट। ये आपको समझ में आ गया कि क्यों इंक्रीज कर रहा था। अब ये जो फॉर्मूला ΔTB है, मैंने आपको नोट्स में बताया हुआ है कि ΔPDB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलैलिटी ऑफ द सोल्यूशन। और इस ΔTB को ही हम कहते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, कि कितना था
उससे कितना इंक्रीज हो गया प्योर से। अब जब आपको पता है कि प्रोपोर्शनलिटी हम हटाते हैं तो हमें कांस्टेंट लगाते हैं उसे हम के बी, इस के बी को या तो हम मोलल एलिवेशन कांस्टेंट या एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट। मोलालिटी को मैंने आप बता ही रखा है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द, कितने सॉल्वेंट में प्रेजेंट है, सॉल्वेंट का वेट क्या है, उसे हम क्या कहते हैं, मोलालिटी। तीसरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है जिसे हम कहते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन मतलब क्या होता है आपको पता है, डिप्रेस करना कहते हैं ना, कि जो मेंटल लेवल था वो उससे कम हो गया। तो इसमें यहाँ पे क्या है डिप्रेशन, कि हम कम होना, ठीक है। अब डिप्रेशन किस में है, फ्रीजिंग पॉइंट में। फ्रीजिंग पॉइंट आपको समझ में आता है, नॉर्मली आप कहते हो कि फ्रीज हो रहा हो, फ्रीज कब होता है, फ्रीजिंग या फ्रीजिंग प्रोसेस को हम क्या कहें, कि कोई भी लिक्विड है वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए। जैसे आपने पानी लिया, पानी लिक्विड है, वो बर्फ बन जाए, तो वो क्या हो जाती है आपकी, फ्रीज कर गया। लेकिन हम आप उसको केमिस्ट्री की लैंग्वेज में हम क्या कहेंगे, कि ये जो लिक्विड और सॉलिड हो, इन दोनों का वेपर प्रेशर सेम हो जाए। ये देखिए, अगर ये सॉलिड आपका वाटर ये है और ये वाटर आपका लिक्विड के फॉर्म में हो जाए, इन दोनों के बीच में एक तरीके से क्या हो जाए, इक्विलिब्रियम हो जाए, कि ये 0 डिग्री सेल्सियस पे ये सॉलिड से लिक्विड, और ये अगर इससे थोड़ा सा इसे कम दे दिया जाए तो ये सॉलिड में, और जो थोड़ा सा ज़्यादा दे दिया जाए तो ये क्या है आपका, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो किसी भी लिक्विड का सॉलिड में कन्वर्जन एक तरीके से फ्रीज कहलाता है, और जिस पॉइंट पे यानी जिस टेम्परेचर पे वो फ्रीज कर रहा है वो आपका क्या हो जाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट हो जाएगा। और आपको ये पता है कि अब हम डिप्रेशन की बात कर रहे हैं, तो फिर से हम बात करेंगे आपकी कि डिप्रेशन कैसे होगा, फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन कैसे होगा। अब बात करते हैं, हमारे दो ही केसेस होते हैं, एक प्योर, और जब इस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं तो हमें नॉन वोलेटाइल की बात करेंगे। अब आपका ये यहाँ पे क्या है, पानी है, ये पानी है, तो इनके बीच में क्या है, वंडरवॉल फोर्स लगा हुआ है, ठीक है, वंडरवॉल फोर्स लगा हुआ है। तो जैसे ही अगर इसको हम वेपर टेम्परेचर दें तो ये इसका क्या होगा, इस ये वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट होगा। तो इसको मैंने बता रखा है कि आपको प्योर सॉल्वेंट का क्या होगा, वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा, वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा। लेकिन अगर इसमें हम नॉन वोलेटाइल को अगर ऐड कर दें, नॉन वोलेटाइल को ऐड कर दे, तो ये मैंने बताया था आपको कि ये सरफेस एरिया कम हो जाएगा, क्योंकि इसके बीच बीच में आपका क्या है, नॉन वोलेटाइल है, जो कि क्या है, अवरोध उत्पन्न कर रहा है, या इसके बीच में ये बाधा आ रही है कि ये पानी के मॉलिक्यूल को बीच बीच में आके, तो जितने पानी के मॉलिक्यूल पहले वेपराइज हो रहे थे अब वो नहीं हो पाएंगे। देखिए ये बाहर निकल, क्योंकि बीच बीच में क्या NaCl के मॉलिक्यूल, तो पानी का वेपराइजेशन उतना नहीं होगा, तो पानी का जब वेपराइजेशन उतना नहीं होगा तो वेपर प्रेशर आपका कम हो जाएगा, ये कम हो जाएगा। ये कब की बात है, जब हम इसमें क्या कर रहे हैं, नॉन वोलेटाइल सॉलिड इसमें ऐड कर रहे हैं। तो जो फ्रीजिंग है, जो उसका फ्रीजिंग पॉइंट है, जो उसकी डिप्रेशन था, जो उसकी फ्रीजिंग पॉइंट के, जो भी हम फ्रीजिंग पॉइंट को एफ से शो करते हैं, एफ पी फ्रीजिंग पॉइंट है, तो 0 डिग्री पर अगर ये फ्रीज हो रहा था तो ये क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब इसी प्रॉपर्टी का को हम यूज करके ही बहुत सारे ऐसे जो ठंडे कंट्रीज वगैरह होती हैं वहां पे हम एंटी फ्रीजिंग, ये क्या कर रहा है, कम हो रहा है, इसी को क्या कह रहे हैं, कि जब इसमें हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल देते हैं तो ये कम टेम्परेचर पे ही क्या होने लग जाता है, फ्रीज होने लग जाता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, मतलब जितना चाहिए था अगर हमने नॉन वोलेटाइल को ऐड कर दिया। अगर हम नॉन वोलेटाइल को ऐड ना करें तो पानी आपको पता है कि 0 डिग्री पर ही क्या करेगा, वो फ्रीज करेगा। लेकिन अगर हम सब्सटेंस को नॉन वोलेटाइल डाल रहे हैं तो ये डिप्रेशन, मतलब 0 से कम नेगेटिव पे आने पर ये क्या करेगा, फ्रीज होने लग जाएगा। तो इसे हम क्या कहते हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब इसके ग्राफ को आप समझ लीजिए, ये देखिए, ये अगर हम ये सपोज ये या ये वाला ही देख लीजिए, ये आपका ग्राफ है, यहाँ पे हमने वेपर प्रेशर ले लीजिए और यहाँ पे आपका टेम्परेचर है। ये अगर हम कह दें कि ये प्योर सॉल्वेंट का है, अब आपको ये पता है कि ये प्योर सॉल्वेंट का है और ये आपका क्या है, सॉल्यूशन का है, ठीक है। तो ये जो होगा इसे हम क्या कहेंगे, डेल्टा TF डिप्रेशन, इसको हम क्या मानेंगे, ये जो हमारा है, ये जो ये डेल्टा TF डिप्रेशन, ये जो डेल्टा TF होगा ये आपका क्या हो जाएगा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, जो कि क्या होगा, ये आपका प्योर है, प्योर का देखिए क्या हो जाएगा, प्योर आपके सॉल्वेंट का क्या होगा, ज्यादा होगा, प्योर सॉल्वेंट का क्या होगा, ज्यादा होगा, और सॉल्यूशन का क्या होगा, कम होगा। मैंने कहा ना, जो सॉल्यूशन आप उसमें कोई नॉन वोलेटाइल ऐड करेंगे तो वो क्या करेगा, उस पर अवरोध करेगा, जिससे उसकी जो फ्रीजिंग होगी वो टेम्परेचर कम हो जाएगा। तो डेल्टा TF को हम क्या कहते हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ये आपका प्योर सॉल्वेंट का है और ये सॉल्यूशन का है। अब जो आपका ये है, ये क्या है, डिप्रेशन है, तो इसे हम कहते हैं ये आपका क्या है,
फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट, ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोलैलिटी से। मोलैलिटी प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे तो हम इसमें केएफ लगाएंगे, केएफ को हम कहेंगे मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट या क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, और जो भी आपको मोलैलिटी का फॉर्मूला मैंने प्रीवियस लेक्चर में बता रखा है वही आपका होगा। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, अगर हमें, वैसे भी मैंने आपको हमेशा से यही कहती हूँ कि अगर आपको ऑस्मोटिक प्रेशर या किसी टॉपिक के बारे में जाना तो सबसे पहले उसके बारे में आप जानिए कि ऑस्मोटिक प्रेशर होता है क्या है। ऑस्मोटिक प्रेशर को जानने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि ऑस्मोसिस क्या है। देखिए ऑस्मोसिस क्या होता है कि अगर हम आपका दो लिक्विड ले रहे हैं, ठीक है, दो लिक्विड ले रहे हैं, एक में आपका क्या है देखिए वाटर है और यहाँ पे क्या है सोल्यूशन, सोल्यूशन में आपको पता है कि सॉल्यूट भी होगा हमारा और सॉल्वेंट भी होगा, और यहाँ पे एक हम क्या ले लें सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, सेमी परमेबल समझते हैं आपकी अर्ध पारगम में, मतलब सारी चीजों को ये अपने से पास नहीं होने देगी, सिर्फ इस मेम्ब्रेन से सिर्फ सॉल्वेंट के पार्टिकल्स क्या होंगे एंटर करेंगे। तो ऑस्मोसिस में क्या होता है कि जब आपका सॉल्वेंट मॉलिक्यूल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू इधर इस सॉल्यूशन से इस सॉल्यूशन में आने लग जाता है तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस आपका क्या है कि मूवमेंट ऑफ द सॉल्वेंट पार्टिकल फ्रॉम द, यहां देखिए क्या सॉल्वेंट ही है तो यहां इसकी कंसेंट्रेशन क्या हो जाएगी हाई कंसेंट्रेशन, और यहां पे आपका क्या है लो कंसेंट्रेशन, तो मूवमेंट ऑफ द सॉल्यूट पार्ट सॉल्वेंट पार्टिकल्स थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन फ्रॉम सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस, इट इज अ ओनली अ ऑस्मोसिस प्रोसेस। इन दोनों की कंसेंट्रेशन क्या होती है डिफरेंट होती है। अब वाटर मॉलिक्यूल क्या है, यहां सॉल्वेंट, यहां सिर्फ वाटर था और यहां क्या आपका क्या है सोल्यूशन है, तो सॉल्वेंट पार्टिकल जो इस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू सोल्यूशन में जा रहा है इसे हम क्या कहते हैं ऑस्मोसिस। अब वॉट इज ऑस्मोटिक प्रेशर, अब आप ये देखिए कि ये जो मैंने आपको बताया था कि ये जो वाटर मॉलिक्यूल है वो मूव कर रहा है सेमी मेम्ब्रेन के थ्रू इस यहां से इस हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन, तो ये जाता ही रहेगा, हम क्या करें तो इसकी कंसेंट्रेशन बहुत ही चेंज हो जाएगी, तो बाहर से हम क्या करें कि एक ऐसा प्रेशर लगा देते हैं जिसकी वजह से ये ऑस्मोसिस को रोक दे। ऑस्मोसिस को रोकने का मतलब क्या है, ये सॉल्वेंट के पार्टिकल क्या हो इधर ना जा पाए, या एक ऐसा प्रेशर हम इसमें डेवलप करें जो वाटर आ रहा है वो एक ऐसा प्रेशर डेवलप करें। अब क्या जैसे इसमें वाटर आता जाता है तो अब आप देख रहे हैं कि इसकी कंसंट्रेशन क्या हो जाती है, फिर हाई होने लग जाती है, इसकी लो होने लगती है, तो बाहर से हम इतना प्रेशर लगाएं कि ऑस्मोसिस आपका क्या है रुक जाए, ऐसे प्रेशर को हम क्या कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। इसमें देखिए नोट्स मैंने लिख लिया कि इट इज एक्स्ट्रा प्रेशर, इट इज एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाइड टू सोल्यूशन टू प्रिवेंट द, प्रिवेंट मतलब रोकता है किसे सॉल्वेंट को सभी परमेबल थ्रू किधर जाने से रोकता है इनटू सॉल्यूट, ये आपका क्या है यहाँ सॉल्यूट भी है और ये पानी आ गया तो आपका ये क्या बन गया सॉल्यूशन। तो ऐसे प्रोसेस या ऐसे प्रेशर को हम क्या कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। अगर हमें ऑस्मोटिक प्रेशर को मेजर करना है तो एक ये इक्विपमेंट आपका आता है बर्कले हार्टले प्रोसेस, उसके थ्रू हम कर सकते हैं कि जैसे यहाँ पे देखिए हमने ये क्या लिया, ये हायर कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन ले लिया, यहाँ आपकी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, यहाँ आपका लो कंसंट्रेशन है, यहाँ जैसे हमने प्रेशर लगाया है ये उसके, तो ये क्या कर रहा है यहां से मूव कर रहा है, तो जब ये पानी इधर से इस पे जा रहा है तो इस कैपिलरी में क्या होता है इसका लेवल क्या हो रहा है। अगर यहां पे आप देखिए ये आपकी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है और यहां पहले क्या था ये सिर्फ वाटर था और यहां आपका ये सॉल्यूट प्लस सॉल्यूशन था, जैसे ही क्या करेगी इसका अगर मूवमेंट होगा तो इसका लेवल यहाँ क्या हो जाएगा हाई हो जाएगा, पानी आ गया इसकी कंसंट्रेशन हाई हो जाएगी, जहां पे जो हम प्रेशर एग्जर्ट कर रहे हैं वो आपका क्या हो जाएगा ऑस्मोटिक प्रेशर हो जाएगा। अब क्या करते हैं, आपने गैस इक्वेशन पढ़ी होगी पीवी इज इक्वल टू एन आर टी जो मैंने बता रखा है, लेकिन ये प्रेशर तो है आपका किसी भी केसेस में गैस के केसेस में, लेकिन यहाँ पे हम ऑस्मोटिक प्रेशर की बात कर रहे हैं तो उसे हम पाई से डिनोट कर देंगे, पाई वी इज इक्वल टू एन आर टी, पाई इज इक्वल टू एन बाई वी आर टी हम लिख सकते हैं, और आपको मैंने बता रखा है एन बाई वी इज द कंसंट्रेशन, नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन वॉल्यूम ऑफ द लीटर इज द कंसंट्रेशन। अब दो अगर तो अब हम क्या कर सकते हैं कि ये आपका फॉर्मूला हो गया, इस फॉर्मूले से क्या कर सकते हैं आप ये निकाल सकते हैं कि आपका ऑस्मोटिक प्रेशर कितना है। अब दो तरीके के ऐसे वर्ड्स होते हैं कि एक आइसोटोनिक होता है एक हाइपोटोनिक होता है, एक आपका क्या होता है हाइपरटोनिक। अगर इन दोनों का प्रेशर बराबर हो जाए, इन दोनों का प्रेशर बराबर हो जाए, कहने का मतलब है कि दोनों सॉल्यूशन जो है उसके प्रेशर बराबर रहे, कि वाटर मॉलिक्यूल मतलब इधर जितने जा रहे हो उधर इतने आ जाए, दोनों इक्वल हो तो उसे हम क्या कहेंगे आइसोटोनिक। अगर एक सॉल्यूशन का प्रेशर ज्यादा हो जैसे यहां से ये मूव कर रहे हैं इसका ज्यादा हो जाए तो उसे हम क्या कहेंगे हाइपरटोनिक। अगर ये वाटर मॉलिक्यूल यहां से इधर शिफ्ट हो जाए तो इसका कम हो जाएगा, अगर ये प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो जाए तो उसे हम क्या कहेंगे हाइपर। आइसो मतलब क्या होता है कि सेम होना चाहिए आपका,
हाइपर मतलब क्या होता है, कि ज्यादा होना चाहिए, कहते हैं ना हाइपर टेंशन, कि ज्यादा टेंशन हो रही, हाइपो कम टेंशन हो रही, हाइपर थायराइड थायरॉइडिज्म मतलब थायराइड आपका जो थायरोक्सिन हार्मोन है वो ज्यादा हो रहा है, हाइपर मतलब क्या होता है ज्यादा। अब क्या है इसी के केस में एक दूसरी प्रोसेस है आपको जिसे कहते हैं आरओ, ये आरओ समझ रहे हैं इसका मतलब क्या होता है, रिवर्स ऑस्मोसिस, रिवर्स ऑस्मोसिस। तो आपको इस वर्ड से समझ में आ रहा है कि रिवर्स ऑस्मोसिस का मतलब क्या होगा, कि जस्ट ऑस्मोसिस का उल्टा, जस्ट ऑस्मोसिस का उल्टा मतलब कि ये क्या हो जाए कि अब आप देखिए मैंने आपको ये नोट्स में बता रखा है कि द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट थ्रू अ सेमी परमेबल फ्रॉम द सोल्यूशन टू द प्रो। अब इसमें क्या हो रहा है कि अगर ये आपका सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से जो यहाँ पानी इस साइड से वाटर यहाँ से हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन में जा रहा था, फिर यहाँ जो हम प्रेशर एक्स्ट्रा एक्सर्ट कर रहे थे वो आपका क्या था, ऑस्मोसिस था। लेकिन अगर इधर से हम पानी के मॉलिक्यूल को यहाँ पे क्या करें, हम एक एक्स्ट्रा प्रेशर लगाएं जिससे कि आपका पानी क्या है, द प्रोसेस ऑफ अ मूवमेंट ऑफ अ सॉल्वेंट थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन फ्रॉम द सोल्यूशन टू द प्योर सॉल्वेंट बाय द अप्लाइंग एक्स्ट्रा प्रेशर एंड द सोल्यूशन साइड इज कॉल्ड क्या, जो एक्स्ट्रा प्रेशर को यहाँ लगा रहे हैं कि आपका पानी जो है वो यहाँ से क्या करे, यहाँ मूव कर जाए, तो इसे हम क्या कहते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस। आपने अपने घर पे देखा है आरओ, आरओ क्या क्या होता है कि यहाँ सिर्फ प्योर था यहाँ पानी, प्योर से यहाँ पे क्या है सॉल्यूट है, तो यानी आपकी क्या है इसमें इम्प्योरिटीज है, ठीक है। अगर इस इम्प्योरिटीज को हम दूर ही तो करते हैं आरओ में, तो क्या करते हैं बाहर से उसमें एक ऐसा प्रेशर लगाएं कि ये इसमें से जो भी आपके सॉल्यूट पार्टिकल्स हों, जो प्रेशर लगा के सिर्फ यहाँ पे सिर्फ वाटर को जाने दें, एक्स्ट्रा प्रेशर लगा के हम क्या करें कि ऑस्मोसिस को रोकें, कि जो पानी इधर से यहाँ आ रहा था हम उसको रोक दें, तो उसे हम क्या कहते हैं आपका रिवर्स ऑस्मोसिस। कि आपका ऑस्मोसिस क्या था, फिर से मैं एक बार रिपीट कर रही हूँ, ऑस्मोसिस क्या है आपका कि अगर प्योर हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ वाटर या प्योर सॉल्वेंट का मूवमेंट हो तो हम उसे क्या कहते हैं ऑस्मोसिस। और यहाँ पे जो एक्स्ट्रा प्रेशर एग्जर्ट होता है जो कि आपके इस प्रोसेस को रोकता है, ऑस्मोसिस को रोकता है कि पानी इधर ना आए, वो भी हम किस तरफ लगा रहे हैं, इस साइड लगा रहे हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं ऑस्मोसिस। लेकिन आपका रिवर्स ऑस्मोसिस क्या है, रिवर्स ऑस्मोसिस क्या है, ऑस्मोसिस का जस्ट रूल था कि जो पानी इस साइड से इधर आ रहा है अब आपका क्या होगा, वो सॉल्यूशन के साइड से किधर आएगा, सॉल्वेंट के साइड में। हम यही तो चाहते ही हैं, हमारा आरओ क्या, आरओ ही हमारा उस आरओ का ही फुल फॉर्म ही यही है कि रिवर्स ऑस्मोसिस उसमें होता है। अभी तो हम उसमें पूरी यही टेक्निक होती है कि यहाँ पे हमारा क्या है सॉल्यूट भी है और सॉल्वेंट भी है, ये क्या हो गया सॉल्यूशन है, यहाँ पे एक्स्ट्रा प्रेशर हम अप्लाई कर ही रहे हैं जिसे हम ऑस्मोटिक प्रेशर कर दें, तो यहाँ पे जो अगर हम ऐसा प्रेशर अप्लाई करें कि जो इसमें से जो पानी है, जिसमें से पानी है वो निकल जाए, हम यही तो चाहते हैं कि हमारा जो इम्प्योर इसमें सॉल्यूट पार्टिकल्स हो वो हट जाए और प्योर वाटर हमारा आ जाए जो कि हम पीने के लिए यूज करते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। अब आप एक ये टर्म या आप ये ध्यान रख लीजिए कि जो आपकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज मैंने बताई थी कि वो आपको पहले बताया था कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे क्या करते हैं डिपेंड करते हैं, कि कितनी क्वांटिटी कितनी क्या है, कि कितनी आपके नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट है। तो जो भी आपकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज थी, जो भी मैंने अभी आपको पढ़ाई थी, वो सिर्फ उन्हीं मॉलिक्यूल्स के लिए थी कि जो कि डिसोसिएट और एसोसिएट ना करते हो। डिसोसिएट मतलब समझते हैं कि आपका कोई भी मॉलिक्यूल है वो डिसोसिएट हो जाए, टूट जाए अपने आयंस में। एसोसिएट कि सपोज अगर ए बी है तो ये आपस में क्या हो जाए, दो ये जुड़ जाए तो ये एसोसिएट होके बना ले, तो डिसोसिएशन और एसोसिएशन होता है। इसके लिए आपकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज नहीं है, इसके लिए आपकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को नेक्स्ट लेक्चर में मैं बताऊंगी कि अगर डिसोसिएशन और एसोसिएशन का केस होता है तो उसके लिए हम नया फैक्टर यूज करते हैं जिसे कि हम क्या कहते हैं वॉन्ट ऑफ फैक्टर। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आपके लिए उन्हीं मॉलिक्यूल के लिए कि वो अनडिसोसिएटेड हो, अनएसोसिएटेड होते हों, जैसे कि आपका यूरिया, ग्लूकोज, शुगर, ये सारा आपका क्या है कि यूरिया का फॉर्मूला पता ही है आपका, ये NH2 CONH2, ये डिसोसिएट नहीं होगा, और ग्लूकोज आपका है C6H12O6, ये ग्लूकोज है, शुगर आपकी क्या है C12H22O11, ये सब मॉलिक्यूल क्या है, ये अनडिसोसिएटेड है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको वॉन्ट ऑफ फैक्टर के बारे में बताऊंगी। प्रॉपर्टीज पहले ही पढ़ा चुकी हूँ कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ द पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। नंबर ऑफ पार्टिकल्स कहने का मतलब है कि सॉल्यूट के कितने पार्टिकल प्रेजेंट हैं, ये आपकी डिपेंड करती है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में। अभी तक जो भी आपने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज थी वो सिर्फ अनडिसोसिएटेड और अनएसोसिएटेड मॉलिक्यूल के लिए थी। अनडिसोसिएटेड और अनएसोसिएटेड का मतलब होता है कि अगर आप शुगर को ले लीजिए, अगर आप इसे पानी में डिजोल्व करोगे या वाटर में डिजोल्व करोगे तो क्या ये अपने आयंस में ब्रेक करेगा क्या, नहीं, ये अपने आयंस में ब्रेक नहीं करेगा। तो
आई जो हमने फैक्टर लिया है, आई फैक्टर हमें ये बताता है, आई को हम इसमें कहते हैं वॉन्ट ऑफ फैक्टर, वॉन्ट ऑफ फैक्टर। इसलिए हमने जो भी आपको चार कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ाई है, लिबरेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर, तो ये जो चारों प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई है इन द केस ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के केस में, कि वहां पे जो भी मॉलिक्यूल होता है वो अनडिसोसिएटेड और अनएसोसिएटेड होता है, मतलब मॉलिक्यूल डिसोसिएट नहीं करता। और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ पार्टिकल, लेकिन अगर मॉलिक्यूल डिसोसिएट हो रहा है और एसोसिएट हो रहा है तो आपकी चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पर डिपेंड करेंगी कि कितने आयंस आपके डिसोसिएट हो रहे हैं, कितने आपके एसोसिएट हो रहे हैं। जब भी आप क्या करते हैं और सॉल्यूशन बनाओगे NaCl या किसी भी आप मॉलिक्यूल को डिसॉल्व करोगे, तो वो अपने आयंस में क्या होता है, ब्रेक हो जाता है। जब वो अपने आयंस में ब्रेक हो जाता है तो कितना पहले था और कितना बाद में हो गया, हम इसे देखने के लिए हम एक फैक्टर जो मैंने आपको बताया है कि हम लगाते हैं, उसे क्या कहते हैं, वॉन्ट ऑफ फैक्टर। वॉन्ट ऑफ फैक्टर का फॉर्मूला क्या है, आई इज इक्वल टू ऑब्जर्व सीपी इज ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। अब ऑब्जर्व का मतलब क्या, देखिए NaCl है, अगर ये तो स्टार्टिंग में सिर्फ NaCl था, जैसे ही मैंने डॉल किया, जैसे ही अपने आयंस में ब्रेक किया, ये किसने टूटा, Na प्लस और Cl माइनस में। T इज इक्वल टू जीरो का मतलब कि स्टार्टिंग में ये क्या था, वन था, तब तक ये अपने आयंस में ब्रेक नहीं किया था, तो ये जीरो जीरो थे। जैसे ही हमने T इज इक्वल टू T कर दिया, ये देखिए दोनों अपने अपने एक एक आयंस में क्या हो गए, ब्रेक हो गए। अगर हम आपसे ये कहें कि ये मॉलिक्यूल डिसोसिएट हो रहा है, इसकी वॉन्ट ऑफ फैक्टर क्या होगा, तो ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिवाइडेड बाई थर्टी। ऑब्जर्व आप क्या कर रहे हैं कि आपको दो दिख रहे हैं, कि जैसे आपने डिसोसिएट किया तो दो मॉलिक्यूल है, एक Na के और एक Cl के, तो ये दो के ऑब्जर्व क्या है, ये थ्योरेटिकल क्या है कि एक होनी चाहिए, अगर हमने एक लिखा है तो अब इससे क्या करता है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आपकी चेंज हो जाती है। तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टू अपॉन वन, यानी अब आपकी I इज इक्वल टू क्या हो गया, टू। तो अगर इन केस ऑफ डिसोसिएशन जो आपका वॉन्ट ऑफ फैक्टर है वो ऑलवेज ग्रेटर देन वन होगा, और अगर आप जो भी आपकी जो चार कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं, ये रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर, अब ये तो ये जो फॉर्मूला मैंने दिया था इन द केस ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के केस में, लेकिन अगर आपका मॉलिक्यूल डिसोसिएटेड या एसोसिएटेड हो रहा है तो आपको सारे फॉर्मूले में अब आई लगाना पड़ेगा। अगर आपको ये जब न्यूमेरिकल निकालोगे तो आप ये देख लोगे कि अगर मॉलिक्यूल डिसोसिएशन वाला और एसोसिएशन तो नहीं है, तो हमें ये फॉर्मूला ना लगा के सब पे हमें आई लगाना पड़ेगा, जो कि हमें ये बताएगा कि कितना मॉलिक्यूल डिसोसिएट हो रहा है, कितना एसोसिएट हो रहा है, और उसका आपकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पर इफेक्ट फर्क क्या पड़ रहा है। अगर डिसोसिएशन की बात करें तो देखिए नंबर ऑफ पार्टिकल्स या नंबर ऑफ जो आपकी क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट है वो इंक्रीज कर रही है, एरो ऊपर लगाने का मतलब होता है मेरा कि इंक्रीज कर रही है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी देखिए, पहले थ्योरेटिकल में वन थी, बाद में टू होगी, वो भी इंक्रीज कर रही है। और मोलर मास, मोलर मास जस्ट अपोजिट होता है, यहाँ पे आप मेंशन कर लीजिए थ्योरेटिकल मोलर मास डिवाइडेड बाय ऑब्जर्व्ड मोलर मास। देखिए पहले क्या था कि आपका एक मॉलिक्यूल था NaCl, बड़ा था, इतना मॉलिक्यूलर मास था, बाद में ये टूट गया दो छोटे में, तो क्या हो गया, कम हो गया, तो जो आपका क्या था मोलर मास है वो पहले वन था फिर टू हो गया, तो डिक्रीज कर जाएगा। तो ये है आपका, ये एरो नीचे लगाने का मतलब है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज इंक्रीज करेगी, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज करेगा, मोलर मास क्या करेगा आपका डिक्रीज करेगा। तो जस्ट अपोजिट कीजिए, तो आपकी कॉलिगेटिव आई है वो डायरेक्टली प्रपोर्शनल इसके है, लेकिन इन्वर्सली प्रपोर्शनल जस्ट इसके अपोजिट हो जाएगा। लेकिन इन द केस ऑफ अगर आप एसोसिएशन की बात करते हैं, आपने एसिटिक एसिड ले लिया, यहाँ बेंजीन की प्रेजेंस में इसका डाइमराइजेशन हो जाता है 100%। डाइमर क्या होता है, एक को मोनोमर कहते हैं, दो को डाइमर, तीन को ट्राइमर, बहुत ज्यादा हो तीन से ज्यादा पॉलीमर, तो ये देखिए बन गया। अब इसके केस में देखिए कि अगर हम आप आई की बात करेंगे, वो ऑब्जर्व बाय डिवाइडेड बाय, ये आई आपका हमेशा फॉर्मूला सेम रहेगा, ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल, दोनों के केस में सेम होगा। तो ऑब्जर्व क्या है, देखिए आपकी यहाँ पे क्या है वन आ रहा है, और आपकी थ्योरेटिकल क्या है टू, यानी आपकी जो भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है वो देखिए क्या वन से कम हो गई, वन से कम हो गई, डिक्रीज कर गई इन द केस ऑफ एसोसिएशन। तो अब इसका क्या होगा, इस केस में आप ये देख लीजिए कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या है, 2-7 डिक्रीज कर रही है, क्वांटिटी भी 2-7 है डिक्रीज कर रही है, ये अगर डिक्रीज कर रही है तो मोलर मास क्या करेगा, इंक्रीज कर जाएगा। ये देखिए ये आपका ये फॉर्मूला, ये आपका वॉन्ट ऑफ फैक्टर है। लेकिन इन द केस ऑफ अगर हम बात करते हैं कि ये तो आपका हो गया कि अगर आपका ये इलेक्ट्रोलाइट है स्ट्रॉन्ग, लेकिन अगर आप वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करोगे कि अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट हो तो वीक इलेक्ट्रोलाइट में हम क्या कर सकते हैं, वीक अगर इलेक्ट्रोलाइट हो हम सपोज एसिटिक एसिड ले लें, ये देखिए हमने एसिटिक एसिड लिया,
ये ब्रेक करेगा एसीटेट आयन प्लस एच प्लस आयन, ये डिसोसिएशन हो रहा है इन द केस ऑफ, हम वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात कर रहे हैं, अभी जो भी हमने फॉर्मूला पढ़ा वो स्ट्रॉन्ग की का केस था, वीक की बात कर रहे हैं। तो अब इस केस में हम जब भी वीक की बात करते हैं तो आप एक टर्म आपने सुना होगा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या डिग्री ऑफ एसोसिएशन, जिसे हम अल्फा से डिनोट करते हैं, डीओडी, डीओडी या बीटा से हम कह सकते हैं डीओए, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड डिग्री ऑफ एसोसिएशन। यहाँ पे डिसोसिएट कर रहा है, डिसोसिएट करने का मतलब ये है कि अगर इसके अब हम आपको 100 मॉलिक्यूल्स देखिए ले लें, अगर जबकि टी इज इक्वल टू जीरो है, अगर ये हम 100 ले लें स्टार्टिंग में, यहाँ पे टी इज इक्वल टू जीरो, तो स्टार्टिंग में तो ये डिसोसिएट हो रही है, मैं पहले बता चुकी हूँ। देखिए हम बात करते हैं कि हो सकता है कि 100 अगर लेने ले हम, तो हो सकता है सिर्फ 50 ही डिसोसिएट हो, ऐसा तो नहीं है कि पूरे के पूरे क्या हो जाएंगे टी इज इक्वल टू टू पे पूरे के पूरे क्या हो गए आपके डिसोसिएट हो जाएंगे, ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। अगर ये 50 है तो ये भी आपके क्या हो गए 50 हो गए। तो अगर हमें आई निकालना है तो आई क्या होगा, ऑब्जर्व बाय डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल ऑब्जर्व, क्या कर रहे हो टी इक्वल टू 50 50 50 150, और स्टार्टिंग में आपके कितने थे ये थ्योरेटिकल 100। ये देखिए क्या है डिसोसिएशन, मैंने आपको बताया है कि डिसोसिएशन के केस में चाहे वो इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग हो या वीक हो, आपका क्या होगा कॉलिगी, जो आपका बॉन्ड ऑफ फैक्टर होगा वो 1 से ज्यादा होगा। देखिए यहाँ आपका आपका ये आ गया है। अब हम सिंपल इसका फॉर्मूला जो मैंने आपको नोट्स में दे रखा है कि अगर हम इसको ए मान लें और एन टी, ये देखिए यहाँ पे है टी इज इक्वल टू जीरो पे ये 1 है ये 0 है, आफ्टर टी हम सपोज कर ले कि अल्फा इसका डिसोसिएट हो रहा है, तो यानी कितना ये रह गया रिमेनिंग टी इज इक्वल टू 1 पहले था 1 माइनस अल्फा रह गया, 1 से देखिए एन बन रहा है तो 1 माइनस एन से आपका क्या हो जाएगा एन अल्फा, तो आई इज इक्वल टू ऑब्जर्व डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल, ऑब्जर्व में आपके क्या हो जाएंगे पूरा पे इसका टोटल और थ्योरेटिकल में आपका 1 है, इसको डिवाइड कर दीजिए तो अल्फा इन द केस ऑफ डिसोसिएशन उसका जनरल फॉर्मूला ये होगा अल्फा इज इक्वल टू आई माइनस 1 डिवाइडेड बाय एन माइनस 1 इन द केस ऑफ डिसोसिएशन। एसोसिएशन की बात करें, एसोसिएशन की आप बात करें तो अब ये देख लीजिए आपका कि अगर आप एसिटिक एसिड ले रहे हो या सपोज ये कर लो जनरल फॉर्मूला ले लो एन ए है एसोसिएट हुआ तो ये आपका क्या हो गया ए हुआ। अब t इज इक्वल टू जीरो पे ये आपका था 1 स्टार्टिंग में ये 0 ठीक है, हम आपको कह रहे हैं कि 1 से t इज इक्वल टू 1 पे बीटा, बीटा इसके पहले 1 था, बीटा क्या हो गया एसोसिएट हो गया 1 माइनस बीटा ठीक है। अब ये देखिए एन से आपका कितना बन रहा है, एन से ये यहाँ पे कितना है 1, तो 1 से क्या हो जाएगा एन बाई एन, लेकिन बीटा से फिर बीटा बाय एन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बीटा बाय एन। अब आई आप इसी तरीके से कर लीजिए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑब्जर्व्ड डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल, ऑब्जर्व्ड में 1 माइनस बीटा प्लस बीटा बाय एन डिवाइडेड बाय टोटल, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका फॉर्मूला आ जाएगा एसोसिएशन का आई इज इक्वल टू 1 प्लस 1 माइनस एन 1 प्लस ये ब्रैकेट में बीटा। यहाँ आप अल्फा भी लिख सकते हैं, किसी किसी बुक में अल्फा भी है, तो आप ये मत कंफ्यूज हो कि डिसोसिएशन के लिए हम अल्फा लिख रहे हैं और एसोसिएशन के दोनों के लिए हम आप क्या कर सकते हैं अल्फा लिख सकते हैं। स्टॉप पूरा बंद कर दो। स्टॉप।